Hello everyone, in this video we will solve computer networks questions that were asked in HTET 2020. There were 7 questions from computer networks. बहुत बड़ा portion था. First question was, which of the following terms is used to represent a set of rules in computer networks? Options are resource locator, protocol, domain, URL. Now ये repeated question है और बहुत easy था. Set of rules हम उतने बोलते हैं protocol को. So right answer will be option B. Next is, which device is needed to connect two computer systems if the system use different protocols? Again repeated question है ये. पहले भी HTET के exams में 2 बार आ चुका है ये question. Options है repeater, gateway, bridge, hub. अब जब भी हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं वी ऑलवेज यूज गेटवे. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंटरनेट? ऑप्शंस आर अ पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, नो. अ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन सिस्टम, अगेन नो. इंडियन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, अगेन नो, क्योंकि इंटरनेट सबके लिए है. And last is a large network of networks. Now this is the definition of internet and our right answer is option D. Next is, which of the following term is used for a computer network that typically connects personal computers within a limited geographical area, usually within a single building? Options are LAN, WAN, MAN or BAN. Now क्वेश्चन में गिवन है लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, एक सिंगल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. सो इट विल बी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? ऑप्शन आर HTTP, HPP, HTTP, HPPT. ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये. And its right answer is option C, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Next is, socket address is, ये अच्छा question था. Options are IPv4 address translated to IPv6 address, no. Combination of IP address and port address, and this is the right answer. जैसे हमारे टेलीफोन नंबर होते हैं, जो हमारा फोन नंबर है प्लस जो एक्सटेंशन का नंबर है, राइट, ऐसे ही सॉकेट एड्रेस में हमारा जो आईपी एड्रेस है प्लस पोर्ट एड्रेस. एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शंस आर कोड रेड, मलिसा, आई लव यू, कोमोडो. नाउ मैं वन बाय वन आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ. कोड रेड जो है ये हमारा एक वॉर्म था विच मेक्स यूज ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर. ओके, सो दिस वॉज अ वॉर्म जो बहुत क्विकली स्प्रेड हो गया था, लोगों को पता भी नहीं चला था. सेकेंड इज योर मेलिसा, या पे एक वायरस है जो मास मेलिंग मैक्रो वायरस है. इसने किसको टारगेट किया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड आउटलुक बेस्ड सिस्टम. नेक्स्ट इज योर आई लव यू, इट इज ऑल्सो अ वायरस जो कि 2000 में काफी पॉपुलर हुआ था. आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, जो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू फैला था और आपके ईमेल में लिखा आता था आई लव यू, एंड इट वॉज रिटर्न इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था ये. एंड लास्ट इज योर कोमोडो. नाउ कोमोडो इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम. सो इनमें से हमारा ओड वन आउट कौन सा है? कोमोडो. So right answer for this question will be option D. And that was our last question. I hope you learned something from this video and your time is well spent. Thank you all for watching this.